हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, ठीक है ना। तो ये होता क्या है ये सब, ठीक है, इसकी पूरी स्टडी करेंगे आज हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि जो एड्रिनल ग्लैंड है ये ह्यूमन की बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। जब हमने थायरॉयड ग्लैंड हमने पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि थायरॉयड ग्लैंड ह्यूमन की बॉडी का सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, और सेकेंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड। तो आज का टॉपिक है हमारे यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही पता होना चाहिए कि ये बॉडी का क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का। कौन? ये जो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो। नाउ सेकेंड बात, अगर बात करें इसकी पोजीशन की कि ये ह्यूमंस में कहाँ सिचुएट होता है, तो ध्यान सुनना, जो एड्रिनल ग्लैंड है ये बॉडी में पेयर्ड होते हैं, यानी दो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, और ये दोनों के दोनों एड्रिनल ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की किडनी के टॉप पर सिचुएट होते हैं। कहाँ सिचुएट होते हैं? सिचुएट सिचुएट टॉप ऑफ ईच किडनी, ये हर किडनी के टॉप पर ये सिचुएट होते हैं, और इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को ह्यूमन की बॉडी का सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा मीन्स अपर एंड रीनल वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू किडनी। यस, यानी कि जो एड्रिनल ग्लैंड है ये ह्यूमन बॉडी की किडनी के टॉप पर होता है, इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को ह्यूमन की बॉडी का सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। सुप्रा मीन्स अपर एंड रीनल मीन्स किडनी, किडनी के ऊपर होता है ये। तो कहाँ होता है? किडनी के ऊपर। नाउ इसके अगर शेप की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में ये दोनों के दोनों जो एड्रिनल ग्लैंड है ये मेनली क्या होते हैं? पिरामिडल शेप्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? पिरामिडल शेप्ड। तो कैसे इसका शेप होता है? पिरामिड की तरह। कैसा शेप होता है इसका? पिरामिड की तरह। और ये एक हाईली वेस्कुलर ग्लैंड होता है। क्या होता है? एक हाईली वेस्कुलर ग्लैंड। वेस्कुलर मतलब कि यानी जो एड्रिनल ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, इसमें लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स आके सप्लाई होती है, और वो लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स क्या करती है? एड्रिनल ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। लेकिन आई होप ये बात आपको समझ आ रही हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बात करते हैं इसके रीजंस की। तो इस रीजंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ह्यूमन बॉडी की एड्रिनल ग्लैंड के मेनली दो रीजन होते हैं। देखो, मैंने बताया एड्रिनल ग्लैंड का जो शेप है वो पिरामिडल होता है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये पिरामिडल शेप्ड होता है। इसका शेप कैसा होता है? पिरामिड, कुछ इस तरीके से शेप होता है इसका, ठीक है ना। जहां पे इस एड्रिनल ग्लैंड का ये जो आउटर रीजन है, बाहर वाला, ये वाला एड्रिनल ग्लैंड का ये जो आउटर रीजन है, आउटर रीजन, ये वाला आउटर, इसे कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है ना। और इसका ये जो अंदर वाला जो रीजन है, ये वाला, इसे कहते हैं एड्रिनल मेडुला। कहते हैं इसको एड्रिनल मेडुला। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी की किडनी की टॉप पर सिचुएट जो एड्रिनल ग्लैंड है, इस एड्रिनल ग्लैंड के मेनली टू रीजन्स होते हैं। पहला होता है इस एड्रिनल ग्लैंड का आउटर रीजन, जिसे कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और दूसरा होता है एड्रिनल ग्लैंड का इनर रीजन, ये वाला, जिसे कहते हैं एड्रिनल मेडुला। जहां पे हमने लास्ट वीडियो में एड्रिनल ग्लैंड का एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट डिस्कस कर लिया था, जहां पे हमने देखा था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है, कौन से कैप्सूल से कवर्ड रहता है, इसके कौन कौन से सब रीजन्स होते हैं, कौन कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, और एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हॉर्मोन्स का ब्लड में अगर हाइपर सिक्रीशन या हाइपो सिक्रीशन हो जाए तो उसे कौन कौन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप इस वीडियो को उसे बिना देखे देख रहे हो तो तब भी कोई नहीं, तब भी ये वीडियो आपको समझ आने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एड्रिनल मेडुला के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे आज हम? एड्रिनल मेडुला। किसकी? एड्रिनल मेडुला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताना चाहिए कि ये हमारे
एड्रेनल ग्लैंड का इनर रीजन होता है। ये जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड है पूरा, जो कि पिरामिडल शेप्ड है, इसका ये जो आउटर रीजन है दैट इज एड्रेनल कॉर्टेक्स, और इसका ये जो अंदर वाला जो रीजन है दैट इज एड्रेनल मेडुला। तो ये एड्रेनल ग्लैंड का इनर रीजन है। दूसरी अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो इसका जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्मल होता है। क्या होता है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। अब ये एक्टोडर्मल क्या है, इसे आप क्लास 12 सेक्सुअल प्रोडक्शन इन ह्यूमन से पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं इसका आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये क्या होता है। जब कोई भी बच्चा अपनी मदर के यूट्रस में जब वो होता है, ठीक है ना, तो मदर के यूट्रस में जो फीटस होता है यानी एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो के अंदर तीन तरह की लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। इन तीनों लेयर को कलेक्टिवली जर्म लेयर कहते हैं, और ये तीनों लेयर मिलकर ह्यूमंस के टिश्यूज को फॉर्म करने का काम करती है। उसमें से जो एक्टोडर्म है वो बॉडी की एड्रेनल ग्लैंड बनाती है, ठीक है ना। इसलिए कह देते हैं कि एड्रेनल ग्लैंड की एड्रेनल मेडुला का जो ओरिजिन है वो कैसा होता है, एक्टोडर्मल होता है। तो मैंने जैसे बताया कि एड्रेनल ग्लैंड के दो रीजन है, आउटर एड्रेनल कॉर्टेक्स, इनर एड्रेनल मेडुला। तो एड्रेनल ग्लैंड के इन दोनों रीजन्स का जो ओरिजिन है वो अलग अलग होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो ओरिजिन है वो होता है मीजोडर्मल, और एड्रेनल मेडुला का जो ओरिजिन है वो होता है एक्टोडर्मल। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एड्रेनल मेडुला का ओरिजिन कैसा है, एक्टोडर्मल है। आई होप ये बात आपको समझ आई। नाउ अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड का जो इनर रीजन है एड्रेनल मेडुला, इसमें लॉट्स ऑफ नर्व्स आके सप्लाई होती है। क्या होती है? इसमें लॉट्स ऑफ नर्व्स आके सप्लाई होती है, जिसे हम प्री गैंग्लियोनिक नर्व कहते हैं। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व कहते हैं, यस। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन एड्रेनल कॉर्टेक्स में किसी भी तरह की कोई नर्व सप्लाई नहीं होती है। एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले जो हॉर्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हॉर्मोन्स के अंडर में रहते हैं, ठीक है। इसलिए एड्रेनल कॉर्टेक्स में किसी भी तरह की कोई न्यूरॉन सप्लाई नहीं होती है। बट जो एड्रेनल ग्लैंड का जो इनर रीजन है एड्रेनल मेडुला, इसमें नर्व सप्लाई होती है, जिसे हम प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व कहते हैं। इसका काम ये होता है कि जो एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल मेडुला से निकलने वाले हॉर्मोन्स का जो सिक्रेशन है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। आइए अभी बात आपको समझ आई, ठीक है ना, इतनी बात समझ आई। नाउ अगली बात करें तो जो हमारी जो सेल्स होती हैं, यानी कि जो एड्रेनल ग्लैंड का जो इनर रीजन है एड्रेनल मेडुला, ये एड्रेनल मेडुला एक स्पेशलाइज्ड सेल से बनी होती है, जिसे हम क्रोमेफिन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम क्रोमेफिन सेल कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो क्या है एड्रेनल मेडुला? एड्रेनल ग्लैंड का इनर रीजन है, इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल कॉर्टेक्स में किसी भी तरह की कोई नर्व सप्लाई नहीं होती। तो आप सोच रहे होंगे कि जब इसमें कोई नर्व सप्लाई नहीं होती तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से हॉर्मोन्स कैसे निकलता है? तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हॉर्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में रहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। वहीं इसका जो इनर रीजन है एड्रेनल मेडुला, इसमें लॉट्स ऑफ नर्व आके सप्लाई होती है, जिसे प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व कहते हैं, जो क्या करती है एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल मेडुला से निकलने वाले हॉर्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एड्रेनल ग्लैंड का जो इनर रीजन है एड्रेनल मेडुला, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल से बनी होती है, जिसे हम क्रोमेफिन सेल कहते हैं। क्रोमेफिन सेल कहते हैं। नाउ अब इसकी बात कर लेते हैं हॉर्मोन्स के बारे में कि कौन कौन से हॉर्मोन्स इस एड्रेनल मेडुला से निकलते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हॉर्मोन्स की अगर हम यहां बात करें तो वीडियो का स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत इजी है और टॉपिक भी काफी इजी है। तो अगर इसके हॉर्मोन्स की अगर हम बात करें, हॉर्मोन्स, तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड का जो इनर रीजन है एड्रेनल मेडुला, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल से बनी होती है, जिसे हम क्रोमेफिन सेल कहते हैं। तो जो एड्रेनल ग्लैंड का जो इनर रीजन है एड्रेनल मेडुला, ये दो स्पेशलाइज्ड हॉर्मोन्स फॉर्म करती है। यस, पहला होता है हमारा कौन सा? एड्रेनेलिन हॉर्मोन। और दूसरा होता है हमारा कौन सा? नोर एड्रेनेलिन हॉर्मोन, या इसको हम क्या कहते हैं, और इसको हम
नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन, और इसे कहते हैं एपिनेफ्रिन हार्मोन, ये इसका दूसरा नाम है। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड की जो इनर रीजन है जिसे एड्रेनल मेडुला कहते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल से बनी होती है जिसे क्रोमेफिन सेल कहते हैं, और ये क्रोमेफिन सेल टू स्पेशलाइज्ड हॉर्मोन्स सिक्रीट करती है। पहली होती है कौन सी, एडिनेलिन हॉर्मोन, और दूसरी है नोर एडिनेलिन हॉर्मोन। जहाँ पे एडिनेलिन हॉर्मोन का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, तो नोर एडिनेलिन हॉर्मोन का दूसरा नाम है क्या, नोर एपिनेफ्रिन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, वो ये कि एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल मेडुला से निकलने वाली ये दोनों के दोनों हॉर्मोन एक स्पेशलाइज्ड अमीनो एसिड से बने होते हैं जिसका नाम है टायरोसिन। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये कि एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल मेडुला से निकलने वाले जो हॉर्मोन्स हैं, ठीक ना, वो कौन से स्पेशलाइज्ड अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो वो बने होते हैं टायरोसिन से। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ अगर हम इन हॉर्मोन्स के फंक्शंस की बात करेंगे, क्या क्या फंक्शंस बॉडी में हो सकते हैं इन हॉर्मोन्स की, ठीक है, फंक्शंस की बात करके क्या क्या फंक्शंस इनके हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो देखो, जब कोई व्यक्ति अपने नॉर्मल कंडीशन में है, जैसे मैं हूँ, मैं भी नॉर्मल कंडीशन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, मेरा रेस्पिरेशन रेट, ये सब नॉर्मल है, ठीक है ना। इसके अलावा मेरी जो ब्लड वेसल्स की जो डायमीटर है वो भी नॉर्मल है, मेरी किडनी, लीवर, लंग्स, ये सब एक नॉर्मल वे में फंक्शन कर रहे हैं। तो जब कोई भी ह्यूमन की बॉडी जब नॉर्मल कंडीशन में होती है, तो उस दौरान एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल मेडुला से हमारा कौन सा हार्मोन निकलता है, हमारा नोर एडिनेलिन हार्मोन, यानी नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है एक हाई क्वांटिटी में ब्लड के अंदर। तो कह सकते हैं हम यहाँ पर क्या कि जो ये जो हार्मोन जो निकलता है ह्यूमन के ब्लड में, ये एक नॉर्मल कंडीशन में निकलता है, इसमें एक नॉर्मल कंडीशन में, ठीक ना। कोई बंदा है, मान लो बैठ के टीवी देख रहा है, ठीक है ना, तो वो अपनी नॉर्मल कंडीशन बैठा हुआ है जहाँ पे उसका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट, ये सब नॉर्मल है, उसकी ब्लड वेसल्स का डायमीटर नॉर्मल है, उसकी किडनी, लीवर, लंग्स, ये सब नॉर्मल वे में वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस दौरान हमारे एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल मेडुला से जो हार्मोन निकलता है एक हाई क्वांटिटी में, वो ये निकलता है नोर एडिनेलिन हार्मोन, यानी नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो सिंपल से लाइन में कह सकते हैं कि जो नोर एडिनेलिन हार्मोन या नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है, ये ह्यूमंस के ब्लड में एक नॉर्मल कंडीशन के दौरान निकलता है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन जैसे ही कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है, जैसे ही कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है, किसी को अगर ये पता लगा कि उसके घर में आग लग गई है, तो जिसके घर में आग लगी है वो भागा भागा जाएगा, ठीक है ना, उसके लिए एक इमरजेंसी है। जिससे क्या होगा, जब वो भागेगा तो उससे क्या होगा, उसकी हार्ट रेट, उसकी ब्लड प्रेशर, उसका रेस्पिरेशन रेट, ये सब बढ़ जाएगा, उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा उसकी किडनी, लीवर, लंग्स एक प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करेंगे, बल्कि वो तेजी से फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी ये जो एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल मेडुला से निकलने वाला जो हार्मोन है एडिनेलिन हार्मोन, हालांकि ये भी स्मॉल क्वांटिटी में निकलता रहता है, नॉर्मली स्मॉल क्वांटिटी में निकलता रहता है, लेकिन जैसे ही कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है, जैसे ही कोई एमरजेंसी कंडीशन आती है, तो एमरजेंसी कंडीशन के दौरान जो एडिनेलिन हार्मोन का जो क्वांटिटी है ब्लड में, ये बढ़ जाता है। यस, क्या होता है, जैसे ही कोई एमरजेंसी कंडीशन आती है, तो उस दौरान मैंने बताया था कि एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल मेडुला में जो नर्व सप्लाई हो रही है, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व, जो मैंने लिखवा रखा पीछे, ठीक है ना, वो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व हाईली स्टिमुलेट होती है, और स्टिमुलेट होने की वजह से वो क्या करती है, उसमें तेजी से नर्व इम्पल्स दौड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये न्यूरॉन है वो क्या करता है, एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल मेडुला में जो एड्रेनलिन हार्मोन जो ब्लड में एक नॉर्मल क्वांटिटी में निकलता है, उसके सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से इस हार्मोन का ब्लड में हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, यानी ये हार्मोन एक हाई क्वांटिटी में निकलने लगता है ब्लड के अंदर, ठीक है। और जैसे ही ये हाई क्वांटिटी में निकलता है ब्लड में, तो ये एड्रेनलिन क्या करता है, क्या करता है, व्यक्ति के हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट, इन सबको बढ़ा देता है, ठीक है ना। इसमें बॉडी की ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, इसके अलावा किडनी, लीवर एंड लंग्स वगैरह एक एक्यूरेट वे में वर्क नहीं करते। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी की हार्ट रेट, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट, ये सब बढ़ जाएगा।
इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होंगी बॉडी की, ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स क्या होंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। बॉडी की लीवर, किडनी एंड जो क्या कहते हैं लंग्स, ये एक एक्यूरेट वे में वर्क नहीं करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। तो ये था हमारे एडन ग्लैंड का इनर रीजन, एडिनल इनर रीजन, एडिनल मेडुला। आई होप ये आपको समझ आया हो। इससे दो हॉर्मोन्स निकलते हैं, एडिनेलिन हॉर्मोन, नॉर एडिनेलिन हॉर्मोन, जो एक स्पेशलाइज्ड अमीनो एसिड टायरोसिन से बने होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में नॉर एडिनेलिन हॉर्मोन ब्लड में सिक्रीट होता है हाई क्वांटिटी में, लेकिन जैसी कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है, ठीक है, हालांकि सिक्रीट ये भी होता है लेकिन एक स्मॉल क्वांटिटी में होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये ज़्यादा होता है, लेकिन जैसी कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है, मैंने अभी बताया कि जो एडिनल मेडुला में सप्लाई होने वाली जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व है वो क्या करती है, इसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देती है, जिसकी वजह से ये स्मॉल क्वांटिटी की जगह एक हाई क्वांटिटी में ब्लड में सिक्रीट होने लगता है, जिससे बॉडी का ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, ये सब बढ़ जाता है, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, लीवर, किडनीज एंड लंग्स वगैरह एक एक्यूरेट वे में वर्क नहीं करते, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।